संविधान में ही अधिकार की बात है और संविधान में ही कर्तव्यों के पालन की अपेक्षा है। क्या हम एक व्यक्ति के तौर पर, एक परिवार के तौर पर, एक समाज के तौर पर अपने कर्तव्यों को लेकर उतने ही गंभीर हैं जितना कि हमारा संविधान, हमारा देश, हमारे देशवासियों के सपने हमसे अपेक्षा करते हैं? जैसा कि राजेंद्र बाबू जी ने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है उसको हमें कन्वेंशन से स्थापित करना होगा, और यही भारत की विशेषता भी है। बीते दशकों में हमने अपने अधिकारों पर बल दिया और वो आवश्यक भी था, ठीक भी था, क्योंकि समाज में ऐसी व्यवस्थाएं बन गई थी जिनके चलते एक बड़े वर्ग को अधिकारों से वंचित रखा गया था। बिना अधिकारों से परिचय कराए इस बड़े वर्ग को समानता, समता और न्याय का एहसास दिला पाना संभव नहीं था। लेकिन आज समय की मांग है कि जब हमें अधिकारों के साथ ही एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों, अपने दायित्व पर मंथन करना ही होगा, क्योंकि दायित्व को निभाए बिना हम अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख सकते। अधिकारों और कर्तव्यों के बीच का एक अटूट रिश्ता है और इस रिश्ते को महात्मा गांधी जी ने बहुत ही विशेष रूप से बखूबी समझाया था। आज जब देश पूज्य बापू की 150वीं जयंती का पर्व मना रहा है तो उनकी बातें बहुत प्रासंगिक हो जाती हैं। वो कहते थे, राइट इज ड्यूटी वेल परफॉर्म। उन्होंने एक जगह लिखा भी था कि मैंने अपनी अनपढ़ लेकिन समझदार मां से सीखा है कि सभी अधिकार आपके द्वारा सच्ची निष्ठा से निभाए गए अपने कर्तव्यों से ही आते हैं। पिछली शताब्दी की शुरुआती दशकों में जब पूरी दुनिया अधिकार के बारे में बात कर रही थी तब गांधी जी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा था, आइए हम लोग नागरिकों के कर्तव्य यानी ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन के बारे में बात करते हैं। 1947 में यूनेस्को के महानिर्देशक डॉक्टर जूलियन हस्कले ने विश्व के 60 बड़े महानुभावों को, बड़ी भारी हस्तियों को एक पत्र लिखा था और उनसे मार्गदर्शन मांगा था, और उन्होंने पत्र में पूछा था कि वर्ल्ड चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स ये बनाना है तो उसका आधार क्या हो, और इस बारे में उन्होंने दुनिया के महानुभावों से अपनी राय मांगी थी, महात्मा गांधी जी से भी मांगी थी, लेकिन दुनिया के हर किसी ने जो अभिप्राय दिया महात्मा गांधी का कुछ अलग था। महात्मा जी ने कहा था, उन्होंने जवाब दिया था कि हम अपने जीवन के अधिकार तभी अर्जित कर सकते हैं जब नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाएं, यानी एक प्रकार से कर्तव्यों में ही अधिकारों की रक्षा है। इसकी वकालत महात्मा गांधी ने उस समय भी की थी। जब हम दायित्व की बात करते हैं, कर्तव्य की बात करते हैं, तो ये बहुत ही सामान्य जिम्मेदारियां हैं जिनको निभाने से एक राष्ट्र के रूप में हमारे संकल्प सिद्ध होते हैं। और हमें यह भी बहुत स्पष्ट ध्यान देना होगा कि कर्तव्य और सेवा, कभी कभी हम सेवा को ही कर्तव्य मान लेते हैं, सेवा भाव संस्कार हर समाज के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, लेकिन सेवा भाव से भी कर्तव्य कुछ और है, और उस पर कभी कभी
हमारा ध्यान नहीं जाता है। आप सड़क पर चल रहे किसी व्यक्ति को कहीं कोई मदद की जरूरत है, आप करते हैं, वो एक प्रकार से सेवा भाव है। ये सेवा भाव किसी भी समाज को, मानवता को बहुत सशक्त करता है। लेकिन कर्तव्य भाव इससे थोड़ा अलग है। रोड पर किसी को तकलीफ हुई, आपने मदद की, अच्छी बात है। लेकिन अगर मैंने ट्रैफिक नियमों का पालन किया और कभी किसी को तकलीफ न हो, ऐसी व्यवस्था का मैं हिस्सा बना, वो मेरा कर्तव्य है। आप जो कुछ भी कर रहे हो उसके साथ एक सवाल जोड़कर अगर हम देखते हैं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, क्या उससे मेरा देश मजबूत होता है? कि परिवार के सदस्य के नाते हम हर चीज वो करते हैं जिससे हमारे परिवार की शक्ति बढ़े, उसी प्रकार से नागरिक के नाते हम वो करें जिससे हमारे देश की ताकत बढ़े, हमारा राष्ट्र शक्तिशाली हो। एक नागरिक जब अपने बच्चे को स्कूल भेजता है तो माँ बाप अपना कर्तव्य निभाते हैं। लेकिन वे माँ बाप जागरूकता पूर्वक अपने बच्चे को मातृभाषा सीखने का आग्रह रखते हैं तो वो एक नागरिक का कर्तव्य निभाते हैं, देश सेवा का कर्तव्य निभाते हैं। और इसलिए एक व्यक्ति, छोटी छोटी चीजें होती है, अगर बूंद बूंद पानी बचाता है वो अपना नागरिक कर्तव्य भी निभाता है। अगर टीकाकरण सामने से जाकर के टीकाकरण का काम पूरा कर लेता है, किसी को घर पे आकर याद नहीं कराना पड़ता, वो अपना कर्तव्य निभाता है। वोट देने के लिए समझाना ना पड़े, वोट देने के लिए जाता है, वो अपना कर्तव्य निभाता है। समय पर टैक्स देना है, देता है, वो अपना कर्तव्य निभाता है। ऐसा कई दायित्व होते हैं जो एक नागरिक के रूप में, सहज व्यवस्था के रूप में हम विकसित करें, संस्कार के रूप में विकसित करें, तो हमें देश को आगे ले जाने में बहुत बड़ी सुविधा बढ़ती है। ये सवाल जब तक देश के प्रत्येक नागरिक के चित्त में, उसकी चेतना में सर्वोपरि नहीं होंगे, हमारे नागरिक कर्तव्य कहीं न कहीं कमजोर होते चले जाएंगे और वो किसी न किसी रूप में किसी दूसरे के अधिकार को हानि पहुंचाते हैं। और इसलिए औरों के अधिकारों की चिंता के लिए भी अपने कर्तव्यों पर बल देना हम लोगों का दायित्व बनता है। और प्रतिनिधि के नाते हमारे जिम्मेवारी कुछ और अधिक होती है, दोहरी होती है। हमारे सामने कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को मजबूत करने के साथ साथ खुद को भी एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना, ये हमारा दायित्व बन जाता है। और हमें समाज में सार्थक बदलाव लाने के लिए इस कर्तव्य को भी निभाना ही होगा। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अपने हर कार्यक्रम में, हर बातचीत में हम ड्यूटीज पर फोकस करें। जनता के साथ संवाद करते समय ड्यूटीज की बात करना हम न भूलें।